हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलवे शिवाना और हम करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग साप्ताहिक राशिफल वीकली प्रिडिक्शन 10 अप्रैल 2023 से लेकर 16 अप्रैल 2023 तक के लिए देखेंगे हमारी 12 राशियों की कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब आपको बता दें, ये एक जनरल रीडिंग होगी और इस जनरल रीडिंग में हम आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, करियर, हर चीज के बारे में आपको बताएंगे, पैसों के बारे में बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे रहने वाली है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि 100% आपसे रेजोनेट करे, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपकी सही हो। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप इसको जरूर पूरा देखिएगा और उससे जो है मदद भी लीजिएगा डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको ये लग रहा है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, यानी कि जिस राशि से भी आप देख रहे हैं उस राशि से मत देखिएगा, अपने दूसरी राशि से देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो है काफी रिच हैं, चार चार तरह से हम राशिफल अपना देख सकते हैं। हम अपने लग्न कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली और सन साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो आप चारों ही तरह से अपना राशिफल देख सकते हैं, बट हमेशा जिस राशि से देखते हैं उसे देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, ये मेरे से बिल्कुल रेजोनेट करता है मेरी सिचुएशन को, नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हमारी राशि है एरीज। तो कार्ड्स हमें बताइए कि एरीज राशि वालों के लिए आपका क्या संदेश है। एरीज के लिए आया है आपके लिए द टेम्परल्स का कार्ड आया है एंड देन आपको आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड एक और कार्ड ले लेते हैं, इसमें आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये तीन कार्ड ये बता रहे हैं कि रिश्तों में आपको काफी ज्यादा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, सारी चीजें आपके मुताबिक हो जरूरी नहीं है और इसलिए ज्यादा आप छोटी छोटी बातों पे मीन मेक मत निकालिएगा, छोटी छोटी बातों को पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, मैंने तो ऐसे ही करना है। तो अपनी जो चलती घड़ी की सुई को अटकाइएगा नहीं और जो है जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा। समय जो है सारी चीजें सॉल्व कर देंगे, सारे जो आपके रिलेशनशिप खराब नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की सिचुएशन जरूर आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा आपका रुका रहेगा, पॉज रहेगा, कुछ ऑर्डर्स आपके रुके रहेंगे, कहीं ना कहीं से आपकी फाइनेंशियल पेमेंट्स जो है आनी थी वो रुकी रहेंगी, बट डिले हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आएगा ही नहीं, डिलेज नजर आ रहे हैं। देन यहाँ पे मुझे जर्नीज भी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम से अचानक किसी काम के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, जर्नीज नजर आ रही हैं। और जहां तक हेल्थ के लिए कहें, कहीं ना कहीं आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, उससे अपने आप को बचाना है और डिहाइड्रेशन हो सकता है, स्किन के अंदर खराश हो सकती है, खारिश हो सकती है, तो अपने आप को जो स्किन को मॉइश्चर करके रखिएगा जिससे कि आपको ड्राइनेस की शिकायत ना हो। एंड रिलेशनशिप्स तो मैं बता ही चुकी, थोड़ा थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, फाइनेंशियल भी सिचुएशन भी बता दिया, हेल्थ भी बता दिया। एंड करियर आपका ठीक ठाक रहेगा, बहुत फ्लरिश करता नहीं दिख रहा लेकिन ठीक रहेगा। अगर मैं लव लाइफ के लिए बात करूं तो लव लाइफ कहीं ना कहीं मुझे रुकी हुई सी नजर आ रही है और ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बहुत गर्म जोशी या कुछ बहुत ज्यादा रोमांस हो रहा है, ऐसा नहीं है। लव लाइफ जहां अटकी हुई है वहीं अटकी रहेगी और कुछ उसके अंदर कोई चार्म नहीं दिखता लेकिन थोड़ी रहेगी, खराब नहीं हो रही है बट जैसी है वो वैसे ही रहेगी। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है एरीज के लिए। ट्विन फ्लेम, ओके, जरा ध्यान रखिएगा, आपका अपने ट्विन फ्लेम से मुलाकात हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप्स में जहां पे बैलेंसिंग है बिल्कुल बैलेंसिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा और बैलेंसिंग करिएगा, एक्सेप्टेंस रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हो सकती है। अब हम देखते हैं आपकी दूसरी राशि टॉरस। टॉरस के लिए
क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स? एक आया वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, देन किंग ऑफ कप्स एंड देन थर्ड इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है शादीशुदा जिंदगी में तो बहुत ही बाहर रहने वाली है। अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी तय हो सकती है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज कर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। 11-11 दिख रहा है यहाँ पे, मीन्स कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ लग्जरी में की चीज आप आइटम खरीद सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, बिल्कुल प्रमोशन हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है और लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ सकता है, नाम सम्मान जो है, मान सम्मान बढ़ सकता है। देन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ी तबीयत थोड़ी सी जरूर नासाज रहेगी। ये सब कुछ तो होगा, ये सबके साथ साथ आपकी तबीयत कहीं ना कहीं नासाज होती दिख रही है। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका शुगर हाई तो नहीं हो रहा है, उस चीज का आपका ध्यान रखिएगा, अपनी दवाइयां समय पे लीजिएगा। और नेक्स्ट आता है आपका एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से, हेल्थ की वजह से हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम्स आपको डिले करने पड़े, कहीं मिलने जाना है या कुछ, जैसे इतना बढ़िया समय है, पैसा भी होगा और मौका भी होगा, लेकिन हो सकता है तबीयत की वजह से आप उस चीज को ना कर सकें जो आप करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आपको जो है पैरों में दर्द हो सकता है, कहीं चोट लग सकती है, हाँ, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइएगा, बिल्कुल ध्यान से चलाइएगा, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी, ज्यादा मैं नहीं कहूंगी इस बात पे। जरा सा चोट चपेट से बचने की कोशिश करिएगा। अब हम जहां पे मनी फ्लो है वो भी तो बता दें। मनी फ्लो तो होगा ही होगा क्योंकि ये आपका 11-11 नंबर आ गया है, फोर ऑफ वैंड्स आ गया है, मनी तो आएगा लेकिन जैसे आएगा वो खर्च भी हो जाएगा, ये भी मुझे दिखता है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल कहे उसको करिएगा, सही आपके रिजल्ट्स होंगे, आपको सही जो है रास्ता मिलेगा, ये कह सकते हैं। तो चलिए हमारी तीसरी राशि है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल, पीपल आर वॉचिंग यू, यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं आपके बॉसेस आपको देख रहे हैं, आप और अपने स्किल को निखारने के लिए, हो सकता है आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हो, और मेहनत कर रहे हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपके काम को सराहा रहे हैं, आपका स्किल जो है और सुंदर हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है, एंड जो कि आपकी रेपुटेशन में चार चांद लगाएगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक एक स्टेप आपको इतने ध्यान से चलना होगा कि कहीं आप कोई एक गलत स्टेप लेंगे और बदनाम भी हो सकते हैं। तो जो कहें जबान को बिल्कुल रोक के टोक के तभी आप कोई भी कदम उठाइएगा, कोई भी बात कहिएगा। देन कम्स योर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दिमाग बहुत तेजी से दौड़ेगा, बहुत बहुत स्किल तो बढ़ रही है लेकिन सोच विचार भी बहुत दौड़ेगा, किसी चीज को बहुत ज्यादा आप सोचेंगे, किसी भी बारे में आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, और वो मुझे ज्यादातर लग रही है पेंटिकल, यानी कि कुछ खरीदना है, पैसों को कैसे आपने डबल करना है, यानी आपका पूरा मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है इस वीक में रहने वाला है। जहां तक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप्स में ऐसा दिखता है कि आपके अपने लोग, आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आप पे बहुत चेक रखेगा, आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या मैसेज कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है क्योंकि वहां पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपके पैसे भी हो सकते हैं, आपका काम भी हो सकता है। तो काफी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, पैसा ढेर सारा आएगा, खुशी आएंगी और दिमाग बहुत तेज चलेगा, बट पैसों की तरफ ध्यान आपका नहीं रहेगा। डस्ट एलर्जी से अपने आप को बचाना, जो चीज खाने के बाद आपको पता है कि भाई बेसन खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता हमें, हमारे जी मिथलाने लगता है, या जो भी कोई आइटम अगर आपको लगता है कि आपको उससे फूड एलर्जी होती है तो कृपा करके मत खाइएगा उसे, ठीक है, जरा एक घूंट।
चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है एनर्जी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग आ रहा है। जहां दिख रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, पैसों की तरफ आपका ज्यादा ध्यान है, ज्यादा सोच रहे हैं, तो आपको रिलेशनशिप्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपनी एनर्जीज को हील करिए, किसी भी चीज की आत जो है वो खराब होती है, वो कहीं ना कहीं चीजों को खराब कर देती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि, कैंसर राशि। कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। थ्री ऑफ कप्स, द सन, देन सेवन ऑफ बैलेंस। कैंसर राशि वाले तो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, पार्टी भी कर रहे हैं, गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी है, वहां पे भी सोच रहे हैं कि इसको भी खुश रखूं, उसको भी खुश रखूं, देन जो है यहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको जो है खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप नई जॉब के लिए कहीं पे भी अगर प्राइवेट भी देख रहे हैं तो आपको वो जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, लोगों में रुतबा बढ़ सकता है, लोग आपकी बात मानेंगे। लेकिन साथ साथ अपने शरीर के टेम्परेचर को जरा ठीक ठाक रखिएगा, नॉर्मल रखिएगा, फीवर भी हो सकता है। घर से बाहर निकले तो पानी पी के निकलेगा, पानी की बॉटल हमेशा साथ में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हीट स्ट्रोक हो सकता है। देन कम्स आपका सेवन ऑफ वैंड्स। आप काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मेहनत तो आप कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेहनत थोड़ी गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी तो ये हो जाएगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना कर लूंगा तो ये हो जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ कहते हैं ना लोचा टाइप से, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, उसको दोबारा से प्लान करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते में खुद रोड़े अटका लेंगे, खुद ही कॉम्प्लिकेशन पैदा कर लेंगे, फिर सोचेंगे ओ ये मैंने क्या किया। तो इसलिए जो है आपको जो है अपने आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना है और गुस्से में कंट्रोल करना है, गुस्सा बहुत आएगा। आप लोगों को कैंसेरियंस गुस्सा आता हुआ नजर आ रहा है मुझे इस वीक, अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। अब देखते हैं आपके लिए, ओके ट्रस्ट, यस विष्णु जी की प्रार्थना करिए, विष्णु जी आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। और थर्सडे को जो है जरूर से आप केले के पेड़ में जल दे दीजिएगा, तिलक कर दीजिएगा, जोत जला दीजिएगा, केसर का तिलक लगाइए, हल्दी लगाइए या फिर पीला चंदन लगाइए, आपके लिए शुभ होगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है सिंह, लियो। तो लियोस के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। ओके फोर ऑफ कप्स, डेविल, माय गॉड, देन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। यहां पे दिख रहा है थोड़ा रिश्तों में कह सकते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट, जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन खरी होती नजर नहीं आ रही, जिससे जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही, या कह लीजिए जिस चीज का मन है वो नहीं हो रहा, तो उस वजह से कुछ ना कुछ देखिए आपके पास होगा सब कुछ, थ्री कप्स भरे हुए हैं, लेकिन जो कप आपके पास नहीं है ना आपको वो चाहिए, यानी आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ एक कमी सी आपको जिंदगी में महसूस हो सकती है इस कमिंग वीक में। और साथ में अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी गोली आप टाइम पे खाइएगा, और अगर लो रहता है तो भी उसका ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर हेमोग्लोबिन वगैरह का ध्यान रखिएगा, और कहीं ना कहीं किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसी से बहुत टाइम के बाद आप मिलेंगे तो उस तरफ आपका दिल और जाएगा, ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते को आप छोड़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत जो अट्रैक्शन पैदा होगा आपकी लाइफ में, कोई होगा जिसकी जिसको आपको लगेगा कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता या मैं इसको नहीं छोड़ सकती, तो वो जो है दिख रहा है अट्रैक्शन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कोई ना कोई आपके लाइफ में जरूर होगा। देन कम्स सेवन ऑफ सॉरी दिस इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कहता है जर्नी हो सकती है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं से किसी रिश्ते से आपका मन खराब हो जाएगा और आप उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, या ये भी हो सकता है कि आप जिसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं उसके साथ कहीं दूर जाने की कोशिश करेंगे, ट्रैवलिंग नजर आ रही है,
फाइनेंशियल स्टेटस ऐसे मुझे कोई बढ़ता नजर नहीं आ रहा, इमोशंस में और कुछ मेरे को और कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि अट्रैक्शन, प्यार, लस्ट भी कह सकते हैं उसको, बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ प्लेजर की तरफ आपका मन रहेगा और अपने पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा बीत सकता है अगर आपका पार्टनर तैयार हो तो यहाँ ऐसा दिखता है अपने पार्टनर के साथ कहीं जा सकते हैं। हेल्थ बता दिया मैंने, करियर में अभी आपको सेटिस्फेक्शन नजर मुझे नहीं आता। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। वर्क योर मैजिक, दिस इज द टाइम। ओके, जो ये आपको फोर ऑफ कप्स आ रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, तो लियोस अपने अट्रैक्शन, अपने मैजिक को काम, उसका काम लीजिए ना, उससे काम लीजिए, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत कुछ है, आप तो शेर हैं, आपके अंदर तो लियो एनर्जी है, सन एनर्जी है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। तो अपनी उस एनर्जी को आप जागृत करिए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम शफल कर लें, बहुत टाइम हो गया, हमने पांच राशियां जो है ऐसे ही पढ़ दी आपके लिए। अब हमारी जो है नेक्स्ट राशि आ रही है, कौन सी? वर्गो, कन्या राशि। तो देखते हैं कन्या राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। या कन्या राशि के लिए आपके कार्ड्स आए, उनके लिए भी आ गया फिर से सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, देन फाइव ऑफ पेंटिकल एंड देन द वर्ल्ड। या ये दिख रहा है कि कन्या राशि वाले भी कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, किसी जर्नी पे जा रहे हैं, एंड देन फाइव ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर महसूस कर सकते हैं वर्गोस। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, बोन डेंसिटी चेक कराइएगा, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, और थोड़ी फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी को खतरा है, तो पैसे बहुत ध्यान से खर्च करिएगा, एकदम से बिना सोचे समझे पैसों को खर्च मत करिएगा। फिर आता है आपका वर्ल्ड का कार्ड, मीन्स एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। गला सूख जाता है, इसलिए तो कहते हैं सब्सक्राइब कर लिया करिए, बहुत मेहनत लगती है रीडिंग करने में। चलिए, तो एक कार्मिक साइकिल जो है वर्गो का कंप्लीट हो रहा है और एक नई शुरुआत होने का समय आ गया है, तो शायद ये जर्नी यही कह रही है कि बहुत टाइम हो गया, जो चीजें चल रही थी, स्ट्रेस चल रहा था, अब उससे छुटकारा लेने का टाइम आ गया है वर्गोस को। और जो है रिलेशनशिप्स में ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा ठंडापन रहेगा, कोल्डनेस रहेगी, बहुत गर्म जोशी नहीं रहने वाली है। तो इस टाइम किसी को मत प्रपोज करिएगा, क्योंकि ठंडक ठंडक ही आपको, आप भी ठंडे रहेंगे, वो भी उधर से भी ठंडा ही आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्लो, बिल्कुल फाइनेंस की तरफ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी फालतू खर्च मत करिएगा। अब आपके लिए एंजल कार्ड क्या है? फर्टिलिटी। यस, फर्टिलिटी चाहिए आपको, खुशियां चाहिए, ग्रीन चीजें खानी शुरू करिए आप। हाँ, आपके अंदर जो है बहुत नीरसता सी भरी हुई मुझे नजर आ रही है वर्गोस। बी फर्टाइल, फर्टाइल होने के लिए क्या करना है? जोर से हंसा करिए, हरा हरा खाया करिए, सुबह सुबह सूर्य देव को देखा करिए, शाम को चंद्रदेव को भी देखा करिए, और सबसे मिला जुला करिए, बातें करा करिए, ठीक है। जिंदगी में जो है आपको आशावादी बनना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है, निराशावादी नहीं बनना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि चलते हैं, लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स? ओके, देन एंड देन। तो लिब्रास के लिए कहीं ना कहीं आया है टू ऑफ वैंड्स, किसी न्यूज की इंतजार है, किसी वीजा की, किसी न्यूज की, किसी प्रमोशन की, किसी अपलिफ्टमेंट की, किसी भी चीज की इंतजार है, बट अभी ये इंतजार बरकरार है, अभी आपको इस इंतजार को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, मींस अभी नहीं, दिल्ली बहुत दूर है। नेक्स्ट कम्स द हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूटिव जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हाई रहने वाली है, आपको पहले ही महसूस हो जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप काफी नॉलेजेबल रहेंगे, काफी मुझे पढ़ते लिखते दिख रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और काफी मूडी भी रहने वाले हैं, किसी के साथ बहुत हंस के बात कर रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं,
और किसी से घुंडक में बात कर रहे हैं तो छोड़ेंगे भी नहीं उसको, तो आपसे तो इस वक्त कोई पंगा ना ही ले तो बहुत बढ़िया है। एंड देन कम्स थ्री ऑफ कप्स, वही मैंने कहा ना कि सब कुछ होगा आपके, यानी बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है और बहुत खराब है तो बहुत खराब है, मूड स्विंग्स रहने वाले हैं, मनी फ्लो अभी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ इंतजार है तो उसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा आपको। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वाटर रिटेंशन हो सकता है, इसलिए नमक कम खाइएगा, जितना कम खाएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और जहां तक रिलेशनशिप है वहां पे बहुत ज्यादा मूडी मूडी बातें होने वाली हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा होगा, किसी के साथ बहुत अच्छा नहीं होगा। इवन लव अफेयर्स में भी, लव रिलेशनशिप में भी सेम रहेगा, कभी तो कोई बात पे आप बड़े जोर जोर से हंसना शुरू करेंगे, जप्पी शप्पी पालेंगे, और कभी एकदम कहेंगे अरे तुम दूर हो जाओ मेरे से बात मत करो, इस तरह का सिचुएशन होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइड्स क्या कह रहे हैं। आपको आया है गणेशा, वाह क्या बात है। तो गणेशा का आपको जो है आशीर्वाद रहने वाला है, जो जो आपको ये सिचुएशन है जिस चीज की इंतजार कर रहे हैं तो चिंता मत करिए, पॉजिटिव आंसर ही आना है, क्योंकि गणेश जी आ गए हैं तो ये समय भी बीत जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियोज, तो स्कॉर्पियोज के लिए क्या कार्ड्स आते हैं हमारे वृश्चिक राशि के लिए। टेम्परेंस, द सन एंड देन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हमारे जो स्कॉर्पियोज हैं अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे, खूब खुश रहेंगे, एंजल्स का इनको आशीर्वाद रहेगा और चीजों को बड़े अच्छे से बैलेंस करेंगे, घर को और ऑफिस को और काम को और बच्चों को, सबको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। बहुत मुझे हैप्पी मूवमेंट नजर आ रहे हैं और साथ में जो है सन का कार्ड भी आया है, कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल सकता है, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत रहेगी। गुस्सा अगेन, गुस्सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को बैलेंस करने लगते हैं ना, चीजों को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तो वही सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि करते रहेंगे भाई तू भी खुश, तू भी खुश, तू भी खुश, तू भी खुश, बाय, बट एक टाइम पे ऐसा आएगा कि कहेंगे उफ क्या है, मैं सबको खुशी करता रहूं या खुशी करती रहूं, तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा चिड़चिड़ाहट रहेगी, तो मे बी हार्मोन्स प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको। और फीवर आ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत चीजों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में कोई ना कोई चिंता खाती रहेगी, आगे की फ्यूचर की सोचते रहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे अभी मुझे मनी फ्लो नहीं दिख रहा, मनी खर्च होता तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लाविश लग्जरीज के ऊपर अपने खर्चे कर सकते हैं, लेकिन मनी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी कि जो है आपके पास उसी को आप खर्चते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है मुझे स्ट्रेस नजर आ रहा है, लोगों का बहुत ज्यादा सोचेंगे कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मैं तो ये कहूंगी लोगों का क्यों सोचना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेटा बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो इसलिए यहाँ पे ये सिचुएशन नजर आ रही है, रिलेशनशिप में बड़ी खींचातानी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सबको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे और सोचेंगे कि मैं खुश कर रहा हूं या कर रही हूं तो शायद इसी में मेरी खुशी है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आता है, अरे वाह क्या बात है, फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। जो चीज आपको जितना प्यार मिल रहा है उसको बटोर लीजिए, कृष्णा आ गए हैं आपके, तो वो आपको लाइफ का एक सबक देने के लिए आए हैं, इसीलिए ये सिचुएशंस हैं। इस सिचुएशन में आप अपने जो है पेशेंस मत खोइएगा, काम रहिएगा, कृष्णा इसमें से आपको निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि आ गई है धनु राशि। धनु राशि सजिटेरियस के लिए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस वीक के लिए। ओके, नाइट ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ एंड देन टेम्परेंस, इनको भी टेम्परेंस आ गया है। तो जो हमारे धनु राशि वाले हैं अपने काम की तरफ बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं, दौड़ लगाएंगे, बिल्कुल चीज को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देंगे और पूरे जोर शोर से जो है ना एक जोश के साथ अपना काम करेंगे, प्रमोशन करेंगे, जो भी काम करेंगे बहुत बिल्कुल सही करेंगे, सही दिशा में करेंगे। फिर आता है इनको स्ट्रेंथ का कार्ड,
बहुत यहाँ पे ये भी दिख रहा है, इतने जोशीले हो रहे हैं कि कहीं बहुत ज्यादा कोई रिस्क मत ले लेना। यानी कि धनु राशि वालों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई नया काम नहीं शुरू करना। नया काम शुरू किया तो कोई रिस्क तो नहीं है उसके अंदर, कोई खतरा तो नहीं है, कहीं गलत फैसला तो नहीं कर रहे। यहाँ पे दिख रहा है ना वो शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, अरे शेर शेर होता है, शेर खा जाता है अगर उसका मूड ठीक ना हो। तो इसलिए जरा समय को संभल के इस वीक नया काम ना ही करें तो बेटर रहेगा, डिले कर दीजिए। यहाँ पे भी लग रहा है टेम्परेंस, यानी कि बहुत टाइम से कुछ काम कर रहे हैं उसका अपॉर्चुनिटी आ रही है अब आपके अंदर। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब आपकी हेल्थ ठीक है तो आप सोच रहे हैं इस हेल्थ का जल्दी से फायदा उठा लो। कब बीमार हो जाए पता नहीं है भाई, कब चीजें क्या चैलेंजेस सामने आ जाए, तो इस वक्त का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वक्त मिल रहा है, टाइम मिल रहा है और हेल्थ मिल रही है, तो चलो हम काम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी मनी फ्लो नहीं दिखता लेकिन काम आप करते बहुत दिख रहे हैं, बस उसी के लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के। और रिलेशनशिप्स में यहाँ पे दिख रहा है बहुत बैलेंसिंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल जो टेम्परेंस कह रहा है, क्योंकि काम की तरफ ज्यादा फोकस रहने की वजह से शायद आप फैमिली लव लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अब हम देखते हैं आपके लिए ओके पॉजिटिव चेंज। यस, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आया ना क्योंकि हेल्थ ठीक हो गई। वही मैंने कहा ना, हेल्थ ठीक हो गई, हेल्थ ठीक होती है आपने कहा अब तो जी बस हम तो चकदे फट्टे करने हैं। तो ये एनर्जी मुझे लग रही है सजिटेरियंस के लिए। अब चलिए हमारी नेक्स्ट राशि आती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए। हाई प्रिस्टेस फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, फाइव ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं जो हमारे कैप्रिकॉर्न्स हैं इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंट्यूटिवनेस रहेगी, चीजों को अपनी भाषा में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत मूडी रहेंगे, हर किसी पे शक करते नजर आ रहे हैं मुझे ये कैप्रिकॉर्न्स, हर किसी को जो है कहते हैं तराजू पे तोलेंगे, मतलब कि मूड स्विंग्स रहेंगे, अपनी इंटेलिजेंस ज्यादा भी करेंगे और अपनी इंटेलिजेंस पे ज्यादा इनको जो है विश्वास होने वाला, और हर किसी को ये हर किसी को शक की निगाह से देख सकते हैं, जो कि दूसरों के लिए बहुत खतरा है। फिर आता है जी फाइनेंसेस, बड़े ही कहते हैं ना दांत से पकड़ के रखेंगे अपने पैसे को, बिल्कुल रिजर्व होके रखेंगे, और थोड़े से यहाँ पे दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं तो अपने विचार सबके साथ शेयर भी नहीं करेंगे, थोड़ा सीक्रेसी बना के रखेंगे, मिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है फाइव ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मूड में होंगे, बहुत ज्यादा जो है इस तरह के मूड में होंगे कि इसको भी देख लूंगा या देख लूंगी या उसको भी देख लूंगा देख लूंगी, यानी इस तरह का जज्बा होने वाला है। यहाँ पे जो है पैसों को बहुत पकड़ के रखेंगे, बहुत क्या कहते हैं दरिया दिल नहीं होने वाले, और खर्चा भी कम करेंगे, माइजर से रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को भी कैद करके रखेंगे, और कुछ ना कुछ बैर भाव लोगों के साथ, मतलब हर किसी का याद रखेंगे, अच्छा तुमने ये किया ना मैं याद रखना है मैंने इस चीज को, इस तरह की सिचुएशन रहने वाली है। बोलेंगे कुछ नहीं अभी नहीं, सही वक्त की इंतजार करेंगे। फाइनेंशियल फ्लो होता नजर नहीं आ रहा, जितना पैसा है उसको बटोर के बैठे रहेंगे, और साथ में बस थोड़े से ना हेड स्ट्रांग रहने वाले हैं, बस वो चीज मुझे नजर आ रही है, उस पर जरा ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। आपके लिए एंजल कह रहे हैं पीस ऑफरिंग, अरे भाई पीस करिए, शांति शांति शांति, सफेद रंग के कपड़े पहनिएगा ताकि आप शांत रहे, और बहुत ढेर सारा पानी पीजिएगा। बहुत बोलना पड़ता है रीडिंग्स करने में, वीडियोस बनाने में, सही कह रहे हैं, इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए ही चाहिए। ऑल्दो आप लोग तो देखते हैं, शेयर करते होंगे और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, थैंक्स भी करते हैं, जब भी रीडिंग देखो तो क्लेम जरूर किया करिए, तभी वो आपके साथ उतनी जो है रेजोनेट करेगी, आपके लिए अच्छी अच्छी साबित होगी, आपके लिए गुड पॉइंट्स लेके आएगी। तो चले आप नेक्स्ट राशि एक्वेरियस, पानी पी लिया, थोड़ा गला तर हो गया, और आपको मिला एक्वेरियस का ही कार्ड, होप का कार्ड, द स्टार, देन ट्री ऑफ कप्स, एंड तीसरा कार्ड हमें मिला कप्स। एक्वेरियस तो बड़े ही इमोशनल रहने वाले हैं, दिल बिल्कुल
थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है, होप क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, लोगों की बात बहुत जल्दी हर्ट होने वाली है, रिलेशनशिप में भी दूसरों की बात को बुरा मान के बैठे रहेंगे, ऐसा मुझे नजर आता है। तो मत करिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी की बात का बुरा मान के बैठ जाएंगे तो जिसकी बात का बुरा मानेंगे वो तो अपना मस्त रहेगा, परेशानी आपको होगी। तो मत, किसी की बात का बुरा मत मानिए, ठीक है। और फिर हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो कि आपको प्यार का प्याला पकड़ा सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, अपना कंधा दे सकता है, ऐसा मुझे एक्वेरियंस नजर आ रहा है। तो कोई भी इमोशनल ऐसा स्टेप मत लीजिएगा, डिसीजन मत लीजिएगा जिससे कि आपको लॉन्ग लास्ट ना हो, वो कुछ टाइम के लिए हो और फिर आपको पछताना पड़े। मनी फ्लो अभी नजर नहीं आता, लेकिन होप का कार्ड आया है, यानी कि चीजें बरकरार चलेंगी आपकी, मनी भी चलेगा, करियर भी चलेगा, जो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। बस उसमें फर्क इतना आ रहा है कि इमोशनल बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो पानी पीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अगर डायबिटिक है तो जरूर ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहता है। एंजल कार्ड कहता है बैलेंस करियर एंड होम लाइफ, यही दिख रहा है ना। होप आ गया तो करियर आपका अच्छा चलता रहेगा, लेकिन कप्स का कार्ड आ गया तो होम लाइफ आ गया, तो होम और घर को और नौकरी वाली जगह को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों में एक डिस्टेंस होना ही चाहिए। घर का काम स्कूल में नहीं, स्कूल का काम घर में नहीं, मतलब घर का काम स्कूल में से निकल गया, घर का काम ऑफिस में नहीं, ऑफिस का काम घर पे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी लास्ट राशि, हमारी लास्ट राशि है पाइसन। तो पाइसन के लिए हम तीन कार्ड निकाल रहे हैं। ओके ओके ओके, आपके लिए आया सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन ओके। यहाँ पे भी दिख रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन काम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा काम, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी नजर आती है पाइसन्स की। जो सोचा वो वैसे ही नहीं हो रहा, और उसमें और अटकलें लग रही हैं, और चैलेंजेस आ रहे हैं, और जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन रह सकती है। तो पेशेंस के साथ हौले हौले करिए, आराम आराम से करिए, जल्दबाजी में काम खराब कर सकते हैं आप। काफी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, कहीं से बहुत सारा ढेर सारा पैसा मिल सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है, और मॉनिटरी वाइज फाइनेंशियली आप काफी आपकी सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है, ब्लॉक मनी भी आपको वापस मिल सकता है। देन कम सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी विजिट हो सकती है, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं ना कहीं चेंज के लिए आप कहीं ना कहीं जाते हुए मुझे इस वीक में नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करते नजर आ रहे हैं। और हेल्थ के लिए बहुत हेल्थ अच्छी रहने वाली है, कुछ थोड़ा लेजर मूड रहेगा, थोड़ा इंजॉय करने का, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं, उनको अवॉइड करके आप कहीं मस्त होना चाहते हैं, वो होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए एंजल कार्ड क्या है, योगा। यस वाओ, जो आप ये मजे करने के लिए जा रहे हैं, ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, काम सही करते करते थोड़े से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लाइक सेवन ऑफ वैंड्स, तो आपको योगा करना चाहिए। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने मन को एकाग्र करिए, आपके सारे काम बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा साप्ताहिक राशि फल, जरूर देखिएगा, और जो भी आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेहद ही खुशी होगी। देखा ना कितने सारे ग्लास पानी पी गई मैं, एक और पी गई, तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा तो रखिए मान कि आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे लिए एनर्जी एक्सचेंज यही हो जाती है यूट्यूब पे, जब आप हमारा वीडियो देखकर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। अभी के लिए आके दीजिए, थैंक यू सो मच।